जरूरी है कि आपके फर्नीचर में से खुशबू आए जब दावत पे लोग आए। वेलकम टू आउटस्टाइल। आज के व्लॉग में दावत में क्या क्या होता है, कैसे तैयारी होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। एक घर की दावत और दूसरे घर की दावत में ये फर्क होता है कि किसने ज्यादा अच्छी प्रेजेंटेशन दी, जिसका घर ज्यादा वेलकमिंग, खूबसूरत, खुशबूदार, जिसके होस्ट ज़्यादा हॉस्पिटेबल हो और खाना भी मज़े का हो। तो ये सारी चीज़ों को लेके चलना पड़ता है। ईद का सेकेंड डे है एंड आई हैव इनवाइटेड सम वेरी क्लोज फ्रेंड्स ओवर फॉर फन, फॉर म्यूजिकल इवनिंग। बड़े हैं बच्चे, नॉट अलाउड। बच्चों के साथ हो गया पहला दिन हल्ला बुल्ला। सेकेंड डे होगा विद जस्ट स्पाउस, यानी कि कपल्स। तो सब बड़े एक्साइटेड हैं, सब आ रहे हैं और मैं सफाइयाँ कर रही हूँ और करवा रही हूँ। मैं हमेशा स्टाफ के साथ लग के सफाई करती हूँ। रीज़न बीइंग कि आप बैठे हों तो उनका भी मोराल बैठ जाता है, आप भी सफाई कर रहे हों तो दे विल ऑल्सो बी एक्टिव और नज़र रहती है और मज़ा आता है मिलके काम करके, म्यूज़िक लगा के, एसी लगा के, ताकि सब कंफर्टेबली काम करें। कि जो फर्नीचर है, सोफ़ा, अब लकड़ी तो बहुत कम है लेकिन ज़्यादा फैब्रिक ही होता है फर्नीचर पे, तो खुशबू आनी चाहिए। क्या करती हूँ, बहुत सस्ता सा तरीका है, जो लिक्विड सोप होता है जिससे आप कपड़े धोते हो, लिक्विड सोप स्पेशली, क्योंकि वो मिक्स हो जाता है, तो उसमें आप ये सर्फ वगैरह पाउडर से मत कीजिएगा क्योंकि वो सही डिसॉल्व नहीं होता, कम ज़्यादा हो जाता है, स्टेन छोड़ देगा, उसके जर्रे रह जाएंगे ना। ओनली लिक्विड जो आपका है, आधी कैप ऑफ लिक्विड जो है लॉन्ड्री सोप जो होता है, डिटर्जेंट होता है, उसको मैंने पानी में डाला इसमें, और सॉफ्ट एक ब्रश लिया है मैंने जो ज़्यादा हैवी नहीं, मैंने जेबी सही से लिया था, बड़े मज़े के वहाँ ब्रशेज हैं। सो आई एम गोना टेक दिस, निकाल के मिक्स करके अच्छी तरह, बहुत अच्छी लॉन्ड्री से अच्छी खुशबू किस चीज़ की है। पानी इसमें से मैं निकाल लिया थोड़ा, एंड देन इसको आपने ऐसे ऐसे क्लीन करना है। इसको बाद में क्लीन वाटर से भी धोने की ज़रूरत नहीं क्योंकि बहुत डाइल्यूटेड है। इससे इतनी अच्छी खुशबू आएगी, एक तो मट्टी, अच्छा उससे पहले मैंने झाड़ लिया था फर्नीचर को, झाड़ लें मट्टी निकल जाए वरना मट्टी उसमें जम जाएगी। मट्टी से झाड़ने के बाद, वैक्यूम करने के बाद, दिस इज व्हाट यू डू फॉर खुशबू। मैं खुशबू के मामले में खपती हूँ। आप कोई ऑर्गेनिक एसेंशियल ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल ही फिर केमिकल से पाक, या कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी खुशबू यार, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, बट मिक्स इट विद वाटर और आप अपने ये फर्नीचर, मैं सारे सोफा जो है ड्राइंग रूम पे उस पर ये करवाऊँगी। आप जब फिर एज ए गेस्ट बैठेंगे ना इस फर्नीचर पे, इधर इधर उधर हर जगह से खुशबू आएगी। और जो लॉन्ड्री डिटर्जेंट होता है पर्सिल, मैं पर्सिल यूज करती हूँ, बहुत अच्छी उसकी खुशबू होती है। एक मैं पाकिस्तानी भी, मैं आपको बताऊँ, मैंने उसमें ब्रांड मुझे मिला, लेट मी शो टू यू, इट वाज वेरी चीप और उसकी खुशबू बहुत अच्छी, मेड इन पाकिस्तान। पर्सिल तो बहुत महंगा है, या जितने भी लिक्विड्स हैं दे आर वेरी एक्सपेंसिव। आई फाउंड दिस, बहुत अच्छी खुशबू इसकी और सस्ता था। लिक्विड डिटर्जेंट है, 25 इसके लोड्स आप कर सकते हैं इसमें। ओरिजिनल फाइट स्टफ स्टेन्स फैबी, कहाँ का बना हुआ भाई ये, मेड इन पाकिस्तान, शाबाश। जब आप बैठेंगे ऐसे, यू विल बी लाइक, नहीं कपड़े किसी ने फ्रेश धोए हैं, कहाँ धोए हैं। अजान निकाल दो, कितना अजान मेरी इतनी हेल्प कर रहा है, अजान ने इतनी हेल्प की है, उफ अल्लाह। 3 बज गए और ये बच्चा थक नहीं रहा, सोए जा रहा है, इतनी हेल्प की है इसने अजान। अच्छा इसके सारे फ्रेंड्स को दिखाऊंगी मैं। ईद का सेकेंड डे, 3:30 बज रहे हैं, ये बच्चा सो रहा है, माशाल्लाह टांगे बेड से बाहर आ रही हैं, अब इससे बड़ा बेड तो मिलेगा नहीं, 6 फुट 2 माशाल्लाह। क्या अजान, क्या नाम है अजान, अजान उठो बेटा, बहुत हेल्प कर दी। कहता मामा मैं आपकी हेल्प करूंगा, डोंट वरी, बहुत हेल्प किया तुमने, उठो नहाओगे नहीं तो फिर तुम्हें मुझे यहीं साफ करना पड़ेगा तुम्हारे लिए, उठो। मेरी लड़की क्यों ऐसे होते हैं, आपका भी लड़का घर में ऐसा है तो प्लीज बताएं आप कैसे डील कर रहे हैं। क्या वो भी रात को छुप छुप के बिरयानी खाता है सुबह के 3 बजे 4 बजे गर्मियों की छुट्टियों में। अजान से याद आया, आपको दिखाती हूँ कि हमने अपने बकरे की शॉपिंग कहाँ से की, कैसे की, कितने में हमने अपना बकरा खरीदा और कितना प्यारा था हमारा बकरा। ये मेरा दोस्त है शियान और ये अच्छे तरीके से जानता है जानवरों को मेरे से बेहतर। तो अजान
तुमने कुछ सोचा है कि किस कलर में तुम्हें बकरा अगर चाहिए, वाइट, ब्राउन एंड वाइट या फिर ब्लैक? वो मैं पर्सनली बताऊंगा आप सबको। वाइट वाला बहुत अच्छा मुझे लग रहा है। ये पसंद आ रहा है हमें, ये जोड़ी है ना। अजान को ये बकरा काफी पसंद आ रहा है। हाँ यार ये पायो 75,000 रुपए में एको। आपको प्यारा लगा बकरा? बहुत प्यारा लगा माशाल्लाह, बहुत अच्छा है और नस्ली बकरा लग रहा है मुझे, इसकी कान भी। यार जोड़ी में आपको 140 में दूंगा। नहीं नहीं, कौन सा बकरा दादा वेट में और अच्छा, कौन सा खूबसूरती में? ये मैं आपको फाइनल में आपको ये 65 में दे दूंगा, 65,000। अच्छा भाई, कोई हमारे लिए कोई सही प्राइस अगर हम लेना चाहें तो 50 तक में आप दे सकते हैं? 50 तक तो नहीं होगा। कितनी कमी बेशी करोगे यार, 40 में देने को तैयार हो? 40 में तो भाई मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। 80 ना। गायों को लेके चला, गाइस को लेके, गाइस में नहीं कह सकते, गाय गाँव गाय गाय को लेके चल रहे हैं। गाय वाइल्ड भी हो सकती है। पानी चाहिए? पानी नहीं? हाँ पानी है। दीदी प्लीज मुझे और खेलने यहाँ पे। पार्क में आए बे? सुबह नहीं आया मामा, बाद में होगा। आज रात को सो जाओ इधर यहाँ गोश्त के साथ। हम कल आएंगे फिर, क्या कल आएंगे? ले टाइम कम है तो हम सिलेक्ट करते हैं बकरा। भाई तो 8-7 कितने का ये बकरा? 1,00,000 रुपये। फजूल में चाचा भी सो के उठे, मुआ धोकर आएंगे तो भी लाइन पे आएंगे। 6,00,000 रुपये बोल रहे हैं इसके। बहुत अच्छा है ये भी और नस्ली बकरे। एक समझ आए लेकिन उसकी जो प्राइस है ना वो समझ नहीं आ रही मुझे। हम आए थे यहाँ तो यहाँ गाय ही गाय थे और अब गाय सीधा बकरे ही बकरे हो गए। अब ये गाय मंडी से हो चुकी है बकरा मंडी और इधर हमें काफ़ी सारे बकरे नज़र आ रहे हैं तो हो सकता है कि इसमें से कोई बकरा अजान सेलेक्ट कर सकता है तो हम कुर्बानी के लिए ले लें। तो ये हुई है। कितने का है ये बकरा? ये वाला? हाँ 75। और फाइनल देने वाले? देने वाले अजान देखना 75,000। और मुबारक हो, ये बकरा हमें फिर कोई 60,000 का मिल ही गया। वाह वाह। एसी की सर्विस होनी चाहिए। एसी बड़ा शर्मिंदगी होती है जब मेहमान आते हैं, एसी की गैस कम है, एसी ठंडा नहीं कर रहा। तो प्लीज ये आपका काम है, किसी और का काम नहीं। दावतों से पहले अपने एसी को ठीक करें, मेहमानों को टॉर्चर ना दें, पार्टी बर्बाद करनी हो ना आपका एसी काम ना दें, बस बर्बाद। या कभी दावत हो, कभी भी दावत हो घर में, पहले अपने एसी को चेक कराएं उसकी कूलिंग गैस फुल होगी। ऐसे पानी ना ज्यादा होंगे फिर आपने करना है। सबसे पाला, सबसे क्यूट कौन लग रहा है? ये हैरी पॉटर। कीनू की आई साइड को कुछ भी नहीं हुआ। ये वो जिस तरह हमें भी बचपन में शौक था ना ऐनक पहनने का, इसको भी कुछ ऐसा ही हुआ है। वाओ माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है। कंफर्टेबल क्रॉक्स पहने हुए बच्चे ने, मेहमान आने वाले और कीनू कुछ अलग ही तैयार हुआ है। ओए होए कीनू, अब तो पालक हूँ लग लो ड्राइंग रूम में बैठने। अभी फिर यहाँ गेस्ट आने वाले ना, ड्राइंग रूम की चप्पल अलग है। हाँ
ड्राइंग रूम ये मैंने जगह ना दीवार छोड़ी हुई अभी फैसल और मेरी ना हम लोग की फैमिली पिक्चर यहाँ आनी है, फैमिली पोर्ट्रेट यहाँ आएगी। ये बेबीज के नहीं आ सकते, सिर्फ बड़े आ रहे हैं। कितने मजे का लग रहा है, लुक एट दिस, ये कितना प्यारा फ्रेम है। ओह आई लव दिस, ओह आई लव दिस, माशाल्लाह माशाल्लाह ड्राइंग रूम। लेकिन मैं आपको बताऊँ इसमें कमाल है अच्छी लाइटिंग का, कलर्स का। फर्नीचर मेरा आप हैरान होंगे काफ़ी कदीम है, काफ़ी पुराना है। ये मेरे पास ये ज़्यादा दुबई की चीज़ें हैं, कुछ कराची का सामान है। बट बात ये कि सलीका, एक तो इसमें से खुशबू आ रही है बहुत अच्छी, क्या खुशबू अच्छी आ रही है? एसी में नहीं, फर्नीचर में से। इसमें से स्मेल करो, स्मेल करो इसको, फर्नीचर को, इसको सोफा को दफाओ, अच्छा नहीं है दफाओ। क्या लग रहा गिर जाएगा? ये मेरा इतना पुराना लैंप है, मैंने दुबई से लिया। काफ़ी सारी चीज़ें 2010 से पहले की हैं, कुछ 2017 से पहले की हैं। ये देखें ब्राउन सोफ़ा जिस पे मैंने ग्रीन कुशन लगा दिया अलग से, अच्छे लग रहे हैं इसके साथ, चेंज हो गया नहीं सोफ़ा। ये जो हैं ये भी अलग से कुशन लिए हुए हैं, वाइट सोफ़ा के ऊपर डाल दिए ताकि अच्छा कलर लगे, क्लासी लगे। ये देखें ये मेरा बड़ा ख़ास टेबल है जो मैंने दुबई से लिया हुआ है, चमकता है, इट्स सो रीगल, सो ब्यूटीफुल। इसमें मिरर है और यहाँ ग्लास और चमकता है, लुक एट दिस। इसमें ये लगे हुए हैं पता नहीं कैसे क्रिस्टल्स अंदर लगे हुए हैं, इट्स यूनिक। और मैं अच्छी लग रही हूँ, शुक्र है ठीक लग रही हूँ, गुड हेयर डे। आई कैन स्टॉप इट, मैंने कहा बाल वॉश करके फ्रेश हमेशा रोज़ ऐसे ही होने चाहिए जब भी, स्पेशली जब आप बाहर जा रहे हैं, क्योंकि फ्रेश बालों की बात ही और है। तो बाल मैंने अच्छी तरह उनको वॉश किया, कंडीशनिंग की, मास्क लगाया, कभी कभी सब कुछ लगाओ और बाल पागल हुए हुए होते हैं, अनटेम्ड। तो टुडे दे आर टेम्ड, दे आर बिहेविंग देमसेल्व्स और आई एम हैप्पी विद माई हेयर। मेकअप बहुत बेसिक लाइट टिंट वाली फाउंडेशन लगाई है विद लिटिल कंसीलर फाउंडेशन, और ये बेला की एक दिन पहनो उसके बाद फेंक दो, क्योंकि मेरी आंखों में बहुत जल्दी इन्फेक्शन रिएक्शन हो जाता है, इसलिए मैं लंबी तीन तीन महीने वाली लेंसेज नहीं पहन सकती। तो ये प्योर हेजल टाइप कुछ इसका शेड है। तो अभी फ्रेंड्स आने वाले हैं और मिक्स है फ्रेंड्स का, कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ शोबिस के लोग हैं, बहुत 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 बड़ा मेरा फ्रेंड्स का सर्कल है माशाल्लाह, शोबिस, डॉक्टर्स, बिजनेस के लोग, माशाल्लाह वेरी ब्लेस्ड कि कराची में इतने प्यारे लोग फ्रेंड्स हैं। इस्लामाबाद में तो हैं ही, बट कराची में भी हमारा बड़ा मज़े का सर्कल बन गया, और सबसे बड़ा सर्कल तो इसका है। ये कपड़ा क्या तुमने कहा था शलवार कमीज पहनोगे, किधर गए? शलवार कमीज मुझे मिली नहीं थी, मैंने अजान मैंने इस्त्री करा के बेड के ऊपर रखी है। बेड की वो गंदी वाली वो अच्छी वाली नहीं, वही तो शाफिर वाली थी शलवार कमीज, वो उसको ट्री बना, हां वो ट्री वाली ना, ट्री वाली वो तो पुरानी है। तो फिर चमक चमक वाली अमीर अदनान वाली पहन लो, वो शादी में नहीं, वो अभी पहन लो पार्टी पे प्यारे लगोगे। ऐसे ऐसे तो नहीं ना बेटा, ये शलवार कमीज पहनते हैं स्मार्ट लगते हैं, वैसे तो अच्छे लग रहे हो, बुरे नहीं लग रहे, लुकिंग नाइस बट स्टिल। जाओ जाके कुछ अच्छा सा पहनो जान, ये नहीं पहनना, नो यू डोंट लुक गुड इन दिस, ब्लैक इज सो प्रेडिक्टेबल, बोरिंग। जाओ इसको देखा है हैरी पॉटर की नो इधर, तो मुझे लोग बहुत लग रहा। ये दावत थोड़ी डिफरेंट है इस दफ़ा, मैंने कहा म्यूजिकल इवनिंग हो, म्यूज़िक हो, सिंगर हो, गाने गाएं, और बहुत मज़ा आए। तो सिंगर आ गए हैं, गेस्ट आने वाले हैं, और सेटअप वो भी अपना कर रहे हैं। मैंने कहा ज़्यादा शोर ना हो तो स्पीकर कम रखवाए हैं। नाजिया और हम लोग जो है निहारी खाने के लिए आए हुए हैं यहाँ पर, पर निहारी के साथ साथ और भी बहुत सारे लवाजम और हम सब जो है बच्चे के साथ साथ हम सब से गाने गाएंगे। क्या कह रही हो, यूट्यूब चैनल YouTube
हमेशा की तरह खूबसूरत और मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना, ये जो सारे कपल्स आए हुए हैं, जो सिंगल्स भी आई हैं, सब ने बड़ी रौनक लगा है ना। Really you look nice as always. Elegant and the color combination is very nice. Ye bahut best hai, zyada kaam ho gaya. Hi Nasia. Hello. Hello Sarah. Hello Sarah. पीछे वो बने नहीं फोटो वीडियो वॉइस का क्या सीन है, सीक्रेट पार्टी हो रही है ना वॉइस। ये कौन सी गोल में इस कॉन्फ्रेंस हो रही है इधर के हाई एयर फोर्स है कैसे है ये से अच्छी सी बात है। चलो जी साहिर भी आ गए, थोड़ा सा हाय नादिया की प्राण नजर आ रहा है जान बची जहां एंड दिस इज पालक पनीर, आई लव इट। और इसमें क्या है, व्हाट इज दैट, इज दैट कढ़ाई अगेन बाय यू? ओह यस, ये नादिया ने अगेन हमें कढ़ाई बनाई। इसमें निहारी, निहारी मेनी विद कबाब। ओह इसमें कबाब है, लुक 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 लुक। ये वी हैव निहारी, और निहारी के टॉप अप से उसके लवाजमात ये रखे हुए हैं उसके साथ। व्हाट इज दिस, इज दैट दाल? फैसल भाई सारे मर्द हजरात को यहाँ लेके बैठे हो, ये रहे जी सारे मर्द हजरात, ये पता नहीं सेग्रीगेशन में क्यों बैठे हुए हैं बट बैठे हुए हैं। चलो जी आप कह रहे वो अंदर ही होता है और ये यहाँ पर अधूरे नी सारे सवाल ताम, पता है कि ना रजा मंद हो मुझे तुम अभी भी पसंद हो। वैसे भाई अब ऐसे ही रहने लगे जब से इनके कंधों पे टीवी वन और वहाँ से भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आई, तब से वैसे भाई ने हंसना मुस्कुराना छोड़ दिया है। क्या करें, सब सब गम ले लिए हैं इन्होंने, गम ले लिया। सही बात है, सीनियर डॉक्टर या हमारे सीनियर डॉक्टर, मैंने ही इनको सिखाया डॉक्टर है शाहर, मुझे ना कुछ आस पास आ रहा भाई। फूड चल रहा, लुक एट दिस, दिस लेडी लवली लेडी, क्या डाला तुमने? अभी मैं लेने लगी हूँ, अभी इसकी भी तो बुक है ना, ये भी तो बात है। हाँ सिर्फ सब प्लेटें लेके खड़े हुए, ऐसा लग रहा है बुफे वाला सिस्टम होता है ना। ये कढ़ाई नादिया ने खुद बनाई है अपने से लेकर इन खूबसूरत कदमों से लेकर हम ऊपर तक आएंगे। अलीजे पीछे देख लिया, अलीजे को मैं इसलिए साथ से ले रही हूँ क्योंकि उसके एक्सप्रेशन आ रहे हैं पीछे से ना। सुनो ऑनर यही कहते हैं खरीदा है, नहीं नहीं है खरीदा है, वो बहन भी खरीदा है, बहन का भी खरीदा है। पूछो मैं कहती हूँ कैसे दे दो, टेढ़े पैर मत करना खराब ना हो जाए, ऐसे कहती है। अच्छा इतना तो चलो करती है ना, अरे बेटी है ना उसको तो दे ही देती है ना। आपने बड़ा प्यारा कुर्ता पहना है, सुना है कि आपकी वाइफ ने आपको गिफ्ट किया? हाँ बिल्कुल है ना, बहुत प्यारा, वेरी नाइस, बड़ा प्यारा आउटफिट है, किसका है? ये बहुत पुराना है, पुराना ही जे डॉट से मैंने लिया था, यार बहुत प्यारा बनाया उन्होंने। अरे उन्होंने बच्ची ने भी जे डॉट का पहना हुआ था, दी और आपकी बालियां तो कॉस्मिक की बहुत ही प्यारी हैं। ओह माय गॉड, ये तो वैसे ही साहिर के शो में पहन गई थी, इतनी हिट गई है, बहुत खूबसूरत लग रही है, ब्यूटीफुल। क्या हो रहा है, खाने के बाद किचन में क्या हो रहा है?
Hi Sahir, how are you? कैसे हैं आप? I am good. आपकी आवाज सुनने के लिए हम सब बैठे वेट कर रहे हैं. आज Sahir is going to sing. No, why? नहीं, मैं सही बता रही हूँ, तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं है. नहीं, but you're a very good singer. ऐसे मत बोले please. Thank you, but हाँ, genuinely मैं नहीं गा पाऊँ, तो आवाज ही नहीं निकल रही. चल निकलवा लेंगे. हमको करीब से लग जागने के तेरे हंसी रात हो न हो शायद इस जन्म में मुलाकात मैच नहीं हो रहा ना, सुर मैच कर रहा है. सुहानी चांदवानी हो चांदवानी
चांदमानी हो चांदमानी अरे है मुबारक आज का दिन रात आई है सुहानी चांदमानी हो ऐसा चढ़ा पूछो नया हो कर दो आसमां पे मुझे नीचे उतारो आसमां पे ऐसा चढ़ा पूछो नया हो सुबह सुबह जन्म में